रेवाड़ी ब्रेकिंग। अलवर निवासी 30 वर्षीय व्यापारी की गला दबाकर की गई हत्या। हत्या कर शव को गड्ढा खोदकर दबाया गोदाम में। पिछले 5 दिनों से लापता था व्यापारी। रेवाड़ी के व्यापारी अमित भालिया पर बकाया था करीब 35 लाख। 10 अगस्त को रेवाड़ी के व्यापारी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। व्यापारी के परिजनों को करता रहा गुमराह। व्यापारी तथा दोनों दोस्तों को लुधियाना से किया गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तम नगर स्थित गोदाम से व्यापारी का शव किया बरामद। परिजनों ने कहा नहीं लेंगे पोस्टमार्टम के बाद शव। ये को कितने टाइम से जानते हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इनको स्क्रैप वगैरह देते थे जी, तो स्क्रैप का पेमेंट लेना था जी। तो इनकी 8-10 दिन हो गए पेमेंट डिले है। 8-10 दिन है, 5 दिन है, 15 दिन है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बस इनकी बात हुई है 7 या 8 तारीख को, तो इन्होंने कहा परसों आ जाओ, अब बगैर पूछे आ जाओ, 10 तारीख को आ जाओ, सुबह पेमेंट ले जाओ। जो व्यापारी है उससे बात की हुई है, तो उसने इनसे इस तरीके से पूछा है कि भाई साहब आप किस चीज पे आए हो, मेरे घर पे गाड़ी क्यों लगा दी, क्योंकि हमारे जो भाई साहब है वो रिकॉर्डिंग करते थे पूरी हर फोन की। तो उन्होंने इनसे कई तरह के सवाल किए और फिर इनको कहा घर पे मत आओ, मेरे गोदाम पे आ जाओ, मेरे गोदाम पे आदमी है। तो उन्होंने यहाँ पर आके उनके दो साथी और हैं मनोज और एक और है उसके साथ मिलके इनका गला घोट के मार दिया। और हमने जब ये इनका फोन लग रहा है लेकिन उठा नहीं रहे थे, रात को 1 बजे इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। मेरी खुद अमित भैलिया से भी बात हुई है जो व्यापारी है, और 2-3 जनों ने और भी की थी उनसे, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ से 11:20 वो चला गया पैसे लेके, जबकि रिकॉर्डिंग में बात सामने आई है कि 12 बजे तक वो यहीं था। अब वो सारी बात फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है उनसे सब क्लियर हो गई है। अमित भैलिया भाग गया था, उसको लुधियाना से पकड़ लिया गया और जो दोनों उसके साथ साथी थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। कितनी आइडिया नहीं है, लेकिन घर वाले बता रहे हैं कि 25-30 लाख रुपए लगभग। तो माना जाए कि पेमेंट की वजह से उनके, हाँ पेमेंट की वजह से की हत्या।